नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 दिसंबर, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य कर्मी बनने के बाद पदस्थापन को नियोजित शिक्षक देंगे 3 विकल्प। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र खतरनाक स्तर तक सिमटा। इसरो ने आदित्य L1 को लेकर दिया अपडेट। इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी के लिए किराए पर हॉस्टल लेगा बोर्ड। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। AAICLAS के द्वारा 906 पदों पर निकाली गई भर्ती। AI कार्गो लॉजिस्टिक एंड अलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड की तरफ से 906 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह आधिकारिक साइट aaiclas.aero पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 दिसंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से न्यूनतम 60% अंकों के साथ ग्रेजुएट पास होना अनिवार्य है। हालांकि 5% में SC और ST अभ्यर्थियों को 5% की छूट भी दी जाएगी। वहीं भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 27 वर्ष तय की गई है। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन को एक बार जरूर देख लें। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र खतरनाक स्तर तक सिमटा। केंद्रीय भूजल के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में केवल 2 वर्षों में वार्षिक भूजल दोहन बढ़ा है। बता दें कि PHED रिपोर्ट के मुताबिक राज्य भर में अत्यधिक दोहित व अतिक्रमण के कारण भूजल रिचार्ज की संरचनाओं में लगातार कमी आ रही है, जिस कारण धरती पर जल संग्रहण की क्षमता भी घट रही है और भूजल रिचार्ज भी कम हो रहा। मालूम हो कि इस रिपोर्ट से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वैसे हर इलाके जहां बाढ़ का संकट बना रहता है, वहां भी जल स्रोत सूखने लगे हैं। ऐसे में इसकी पुष्टि करने के लिए PHED विभाग के द्वारा सीतामढ़ी, गया, वैशाली जैसे इलाकों में पहुंचकर जांच भी की गई है। वहीं इस रिपोर्ट के आधार पर 138 पंचायत क्रिटिकल जोन में है, जिनमें हर वर्ष ग्राउंड वाटर लेवल 3 फीट से 10 फीट तक नीचे चला जाता है। वहीं कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां के चापाकल बंद हो जाते हैं। इसी को देखते हुए भूजल स्तर को बेहतर करने के लिए जिलों में कुछ काम किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा भूजल रिचार्ज की संरचनाओं का निर्माण होगा। बड़ी और घरेलू संरचनाओं पर जोर दिया जाएगा। बड़ी जल संग्रहण संरचनाओं को कृषि और आजीविका से जोड़ा जाएगा। धरती का तापमान को कम करने के लिए दूरगामी प्रयास करने के लिए तकनीकी जांच होगी और अधिकारियों की टीम के द्वारा लगातार क्रिटिकल जोन का निरीक्षण किया जाएगा। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म आज ही के दिन 1884 में हुआ था। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल में 1946 एवं 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री का दायित्व भी निभाया था। सम्मान से उन्हें प्रायः राजेंद्र बाबू कहकर पुकारा जाता है। उन्होंने सर्च लाइट और देश जैसी पत्रिकाओं में इस विषय पर बहुत से लेख लिखे थे और इन अखबारों के लिए अक्सर वे धन जुटाने का काम भी करते थे। 1914 में बिहार और बंगाल में आई बाढ़ में उन्होंने काफी बढ़ चढ़ कर सेवा कार्य किया था। 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्होंने 1962 में अपने अवकाश की घोषणा की। अवकाश ले लेने के बाद ही उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। राजेंद्र बाबू ने अपनी आत्मकथा के अतिरिक्त कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें बाबू के कदमों में बाबू, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय है। राज्य कर्मी बनने के बाद पदस्थापन को नियोजित शिक्षक देंगे 3 विकल्प। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने के बाद उनके पदस्थापन को लेकर उनसे 3 विकल्प मांगे जाएंगे, जिसके तहत शिक्षकों को बताना होगा कि वह किस जिले के स्कूल में अपना पदस्थापन चाहते हैं, जिसके बाद विभाग की ओर से वरीयता सूची के आधार पर इन शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विभाग की ओर से करीब 4 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने को लेकर नियमावली तैयार किया जा रहा है और इस नियमावली पर कैबिनेट की मंजूरी लेने की कवायद चल रही है। ऐसे में जब कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिल जाएगी तो यह राज्य में लागू हो जाएगा। इसके बाद नियोजित शिक्षकों को परीक्षा ली जाएगी और उसमें उत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और फिर इन्हें भी सारी सुविधाएं और वेतनमान दिए जाएंगे। बता दें कि इन शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने के बाद आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा। भारी विरोध के बाद सोनपुर मेला में फिर दिखेगा थिएटर का जलवा।
एक बार फिर से भारी विरोध के बीच 7 दिनों के लाइसेंस पर सोनपुर मेला में थिएटर शुरू कर दिया गया है। दरअसल मेले में थिएटर झूला और मौत के कुआं को लाइसेंस नहीं मिलने के कारण सोनपुर वासियों और व्यवसायियों के द्वारा मेला को अनिश्चितकालीन तक बंद करने का आह्वान किया गया था, जिसको देखते हुए अब 7 दिनों का लाइसेंस थिएटर संचालक को दे दिया गया है। बता दें कि पहले यह लाइसेंस 2 दिनों के लिए दिया जाता था और समय रहते हुए उन्हें रिन्यूअल करवाना पड़ता था, लेकिन इस बार जिलाधिकारी के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर के द्वारा 7 दिनों का लाइसेंस दिया गया है। ऐसे में अब 6ठे दिन पूरे होने के बाद लाइसेंस का रिन्यूअल करवाना होगा। बता दें कि ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि लाइसेंस सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। वहीं इसके अलावा ट्रैफिक को देखते हुए ड्रॉप गेट को भी हटाने का निर्देश दिया गया है। आधार कार्ड फ्रॉड से बचने के लिए अपनाएं ये तरीका। अगर आप भी आधार कार्ड से होने वाले फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ काम करना बेहद जरूरी है। बता दें कि आधार बेस्ड फर्जी ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए जरूरी है कि अपने बायोमेट्रिक को लॉक कर दें, या आप आधार कार्ड की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन के लिए आपको अपने नंबर से OTP को एंटर करना होगा, उसके बाद डैशबोर्ड पर बायोमेट्रिक लॉक करने का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा आप आधार बेस्ड साइबर फ्रॉड से खुद को बचाने के लिए जरूरी है कि आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को हमेशा अप टू डेट रखें। अगर नंबर बदल लिया है तो नए नंबर को आधार के साथ लिंक कराएं। दरअसल आधार संबंध साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए जरूरी है कि यूजर्स हमेशा आधार कार्ड के यूजर्स की हिस्ट्री को चेक करें। इसके लिए आप आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं। आधार कार्ड पर डिटेल अपडेट करने के लिए जरूरी है कि आप UIDAI के साथ रजिस्टर्ड एजेंसी के पास ही जाएं। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपना आधार कार्ड और बायोमेट्रिक्स शेयर न करें। बिहार का ये जिला कैदियों को सजा दिलाने में सबसे आगे। पुलिस मुख्यालय ADG जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि जघन्य अपराधों में इस साल के शुरुआती 9 माह में स्पीडी ट्रायल से 6,500 से अधिक अपराधियों को सजा सुनाई गई है। उन्होंने कहा कि जनवरी से सितंबर माह के बीच 4,518 कांडों में 6,594 अपराधियों की स्पीडी ट्रायल के जरिए दोष सिद्ध करार दिया गया है। बता दें कि पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष 2 अभियुक्तों को फांसी, जबकि 738 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 553 अभियुक्तों को 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिली है। इसके अलावा 1,374 अभियुक्तों को 10 वर्ष से कम और 3,359 अपराधियों को 2 वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत दर्ज 587 कांडों में 712 अपराधियों को, जबकि हत्या के 316 कांडों में 708 अपराधियों को कोर्ट से दंड मिला है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के 265 कांडों में 333, दुष्कर्म के 157 कांडों में 190 और अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के 96 कांडों में 117 अपराधियों को दोष सिद्ध करा दिया गया है। नवनियुक्त महिला शिक्षकों को इस दिन से मिलेगी स्कूटी चलाने की ट्रेनिंग। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक के द्वारा महिला शिक्षकों की मांग को ध्यान में रखते हुए नवनियुक्त महिला शिक्षकों को स्कूटी की ट्रेनिंग दिलाने का फैसला लिया गया है। इसको लेकर KK पाठक के द्वारा आदेश जारी कर कहा गया है कि 4 दिसंबर 2023 से शुरू होने वाले बैच में 2 पहिया वाहन स्कूटी के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण की अवधि सामान्यता आधे घंटे यानी कि 30 मिनट की होनी चाहिए और यह प्रशिक्षण PT कक्षा के बाद और ट्रेनिंग क्लास शुरू होने के बीच की अवधि में यानी 6.5 से 8.5 पूर्वाहन के बीच में इच्छुक शिक्षकों की संख्या देखते हुए तय किया जाए, जिसके लिए मोटर प्रशिक्षण देने वाले संस्थान की सूची जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर लिया जाए और फिलहाल प्रति प्रशिक्षु के दर को स्थानीय बाजार दर के आधार पर नेगोशिएट कर प्रशिक्षण का काम शुरू किया जाए, क्योंकि यह स्कूटी का प्रशिक्षण अध्यापकों के प्रशिक्षण का अभिन्न अंग होगा, इसलिए इसके लिए स्थानीय दर करना भी उचित नहीं है। ऐसे में विभागीय स्तर पर निविदा निकाली जाए और दर निर्धारित करते हुए प्रति प्रशिक्षार्थी को 2 पहिया वाहन का प्रशिक्षण दिया जाए। इसरो ने आदित्य L1 को लेकर दिया अपडेट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा एक्सपर्ट, जो कि पूर्व में ट्विटर हुआ करता था, उस पर ट्वीट कर सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशिला आदित्य L1 को लेकर जानकारी दी गई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि SWIS आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी कि ASPEX पेलोड का दूसरा उपकरण चालू है। हिस्टोग्राम 2 दिनों में SWIS द्वारा कैप्चर किए गए प्रोटॉन और अल्फा कणों की संख्या में ऊर्जा भिन्नता को
दर्शाता है। बता दें कि इसरो के द्वारा दिए गए एक बयान में कहा गया है कि आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में दो अत्याधुनिक उपकरण सोलर विंड आयन SWIS और STEPS शामिल है, जिसमें से STEPS उपकरण को 10 सितंबर 2023 को चालू किया गया था, तो वहीं SWIS उपकरण को 2 नवंबर 2023 को सक्रिय किया गया था। इसरो के अनुसार उपकरण के द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन किया गया और सौर पवन आयन मुख्य रूप से प्रोटोन और अल्फा कणों को सफलतापूर्वक मापा है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे मनियार मठ के बारे में। सर्वेक्षण से पता चला है कि यह जगह मूल रूप से नागा पंथ के स्थानीय पंथ का एक पूजा क्षेत्र था। इस स्थल पर कोई शक नहीं है कि यह स्थल बिहार के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पिता के रूप में जाने जाने वाले ब्रिटिश पुरातत्वविद को 1861 में एक टीले के शीर्ष पर मनियार मैथन नाम का एक जैन मंदिर मिला। सर्वे में पता चला कि यह जगह मूल रूप से नागा पंथ के स्थानीय पंथ का पूजा क्षेत्र था। इस स्थल पे पाई जाने वाली एक डिफेड नागा मूर्ति कला पर मणि नागा नाम अंकित पाया गया था। इस स्थल की खुदाई में अद्वितीय सांप टोटी के साथ बड़े बर्तन भी पाए गए। साइट की अनूठी संरचना केंद्र में एक बेलनाकार संरचना के साथ दो खंडों का पता चलता है। दीवार की जगह पर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त प्लास्टर छवियों को ठीक से पहचानना मुश्किल हो गया है। खुदाई से ऐसा प्रतीत होता है कि समय बीतने के साथ साथ नागो हिंदुओं बौद्धों और जैनियों जैसे विभिन्न धार्मिक संप्रदायों ने इसे एक महत्वपूर्ण पूजा स्थल बना दिया है। जाने कौन लोग हैं सरकारी विभाग में फार्मासिस्ट बनने के योग्य। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम फार्मासिस्ट एसोसिएशन की ओर से स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर बी फार्मा डिग्रीधारी को अवसर देने के लिए अरविंद कुमार के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की फुल बेंच के द्वारा यह फैसला सुनाया गया कि वैसे लोग जो भी बी फार्मा EM फार्मा योग्यता धारी हैं, जिनके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी की डिग्री नहीं है, वे फार्मासिस्ट नहीं बन सकते। दरअसल बी फार्मा एम फार्मा व डिप्लोमा के पाठ्यक्रम बिल्कुल अलग है। इनमें डिप्लोमा इन फार्मेसी डिग्रीधारी ही सरकार विभाग में फार्मासिस्ट बनने के योग्य है। ऐसे में बी फार्मा व एम फार्मा द्वारा कॉस्मेटिक निर्माण की फैक्ट्रियों अथवा औषधि निरीक्षक या औषधि नियंत्रण उद्देशालय के उच्चतर पदों के योग्य हैं। इंटरनेशनल क्रिकेटर मुकेश कुमार के घर 4 दिसंबर को होगी रिसेप्शन पार्टी। बिहार के लाल और इंटरनेशनल क्रिकेटर मुकेश कुमार की 4 दिसंबर को रिसेप्शन पार्टी होने वाली है। बता दें कि मुकेश कुमार की शादी 28 नवंबर को हुई थी, वहीं अब उनके घर गोपालगंज में रिसेप्शन पार्टी की तैयारी चल रही है। मालूम हो कि रिसेप्शन पार्टी में हजारों लोगों के अलावा कई सेलिब्रिटीज भी आ सकते हैं। ऐसे में रिसेप्शन पार्टी को यादगार बनाने में पूरा परिवार जुटा हुआ है। बता दें कि सदर प्रखंड के कांकरकुंड गाँव निवासी सह इंटरनेशनल क्रिकेटर मुकेश की शादी पिछले दिनों गोरखपुर के एक निजी होटल में छपड़ा के बनियापुर बेरुई गाँव की रहने वाली दिव्या के साथ हुई है। वहीं शादी के बाद 29 नवंबर की सुबह ही वह भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के चौथे मुकाबले में रायपुर खेलने चले गए थे। खेल में बच्चों को पढ़ाने का तरीका सीखेंगे शिक्षक। राज्य के नव नियुक्त शिक्षक खेल में बच्चों को पढ़ाने का तरीका सीख सके और विज्ञान विषय के प्रति बच्चों की रुचि को बढ़ा सके, इसके लिए उन्हें 15 दिनों का विज्ञान प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कोर्स करवाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कोर्स SCERT की ओर से शिक्षकों को करवाया जाएगा। इसके लिए जिलावार शिक्षकों का समूह बनाया जाएगा और फिर उन्हें यह कोर्स उनके ही जिले में करवाया जाएगा। मालूम हो कि SCERT की ओर से शिक्षकों को यह कोर्स नई शिक्षा नीति 2020 के तहत करवाया जाता है। इस कोर्स के करने से शिक्षकों को विज्ञान विषय के बारे में नई नई जानकारी मिलेगी, विज्ञान के प्रति बच्चों की रुचि बढ़ेगी, विज्ञान विषय संबंधी अधिक से अधिक गतिविधि होगी, स्कूल में बेकार पड़े सामानों का इस्तेमाल किया जाएगा और विज्ञान के हर टॉपिक का प्रयोग करके दिखाया जाएगा। राज्यपाल ने बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय त्रिपीठ विश्व शांति पूजा का किया उद्घाटन। बीते दिन बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में 10 दिनों तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय त्रिपीठ विश्व शांति पूजा के कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर गया पहुंचे, जहां राज्यपाल का स्वागत गया के जिलाधिकारी के द्वारा किया गया। वहीं इस दौरान राज्यपाल के द्वारा बुद्ध मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद बोधि वृक्ष के नीचे 10 दिनों तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय त्रिपीठ विश्व शांति पूजा के कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, जिसमें राज्यपाल के साथ कई अन्य अतिथि भी मौजूद थे। वहीं उद्घाटन के दौरान विभिन्न देशों के बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा अपनी परंपरा के अनुसार मंत्रों का उच्चारण किया गया। मालूम हो कि बीते दिन सुबह 80 फीट बुद्ध प्रतिमा स्थल से लगभग 10 देशों के बौद्ध धर्म गुरु और बौद्ध श्रद्धालुओं के द्वारा विश्व शांति के लिए शांति मार्च निकाला गया और कालचक्र मैदान में पद यात्रा समापन किया गया।
बिहार के इन जिलों में बारिश के आसार। हरियाणा के आसपास पश्चिमी विक्षोभ व दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के आसपास चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। इनके प्रभाव से अगले कुछ घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी व दक्षिण पश्चिम भागों के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में हल्की वर्षा की संभावना है। पटना समेत अधिकतर भागों में सुबह के समय कोहरे व कुछ स्थानों पर धुंध का प्रभाव बना रहेगा। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष कुमार के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ अब दक्षिण हरियाणा और उसके आसपास 3.1 से 4.5 किलोमीटर ऊपर एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के अनुरूप देखा जा रहा है। इसके साथ ही एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश पर समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर स्थित है। इसी वजह से मौसम का तालमेल बिगड़ा हुआ है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विभाग ने 6 नवंबर तक का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार इस अवधि में औसतन 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूर्वा हवा चलेगी। बोधगया आएंगे बौद्ध गुरु दलाई लामा, सीएम नीतीश भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। 15 से 20 दिसंबर तक बिहार के गया में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का आगमन होने वाला है। हालांकि अभी तक उनके आने का फाइनल डेट सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वह 15 से 20 दिसंबर के बीच बोधगया आ जाएंगे। वहीं उनके आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा भी सुरक्षा को लेकर सभी तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। बता दें कि अपने इस आगमन के दौरान बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के द्वारा 29 से 31 दिसंबर तक बोधगया कालचक्र में अपने भक्तों को आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया जाएगा और नए साल में 1 जनवरी को उनकी लंबी आयु के लिए बोधगया के महाबोधि मंदिर में विशेष पूजा भी की जाएगी, जो कि कालचक्र मैदान में आयोजित किया जाएगा। वहीं इसके अलावा 20 दिसंबर को महाबोधि संस्कृति केंद्र में दलाई लामा का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम इंटरनेशनल सॉन्ग होगा, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, अरुणाचल प्रदेश के सीएम सहित कई अन्य राज्य के सीएम मौजूद होंगे। इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी के लिए किराए पर हॉस्टल लेगा बोर्ड। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से छात्र छात्राओं के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग का संचालन किया जा रहा है। ऐसे में इन छात्रों के लिए हॉस्टल की जरूरत है, जिसको देखते हुए समिति की ओर से अब इन छात्रों के लिए भवनों को किराए पर लेने का काम किया जाएगा। बता दें कि आने वाले 1 फरवरी 2024 से 100 छात्रों के लिए हॉस्टल की आवश्यकता है और इसी प्रकार एक अलग परिसर में 100 छात्राओं के लिए अलग हॉस्टल की भी आवश्यकता है। ऐसे में इसके लिए समिति के द्वारा 3 वर्षों के लिए अलग अलग 2 भवनों को किराए पर लिया जाएगा। इस परिसर में 100 विद्यार्थियों के रहने के साथ साथ 2 क्लासरूम तथा 2 अलग रूम की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा इस भवन में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए भोजन उपलब्ध करवाया जा सके, इसके लिए किचन और डाइनिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। ऐसे में वे लोग जो 3 वर्षों के लिए किराए पर भवन देने के इच्छुक हैं, वह 11 दिसंबर तक अपना प्रस्ताव समिति को भेज सकते हैं। इसके साथ या तो वे समिति कार्यालय में हाथों हाथ अथवा डाक या फिर BSEB बिहार पटना 17@gmail.com पर या व्हाट्सएप नंबर 9155191189 पर भी सूचना भेज सकते हैं। पैन नंबर के साक्षर से ढेर सारी जानकारी आएगी सामने। पैन कार्ड को हमारे द्वारा एक पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हमारा नाम और जन्मतिथि दिखाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पैन कार्ड में एक अस्थायी नंबर होता है, जिससे कई जानकारी सामने आ सकती है। बता दें कि पैन कार्ड नंबर में 10 नंबर का एक यूनिक कोड होता है, जो लेमिनेटेड कार्ड में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे इनकम टैक्स के द्वारा उन लोगों के लिए जारी किया जाता है जो पैन कार्ड के लिए आवेदन देते हैं। ऐसे में एक बार पैन कार्ड तैयार हो जाने के बाद इसमें टैक्स पेमेंट से लेकर क्रेडिट कार्ड से होने वाले लेन देन तक सभी जानकारी डिपार्टमेंट के पास चली जाती है। बता दें कि पैन कार्ड नंबर के भीतर सरनेम भी छिपा हुआ होता है। दरअसल पैन कार्ड नंबर का 5वां अंक धारक के सरनेम को दर्शाता है। आयकर विभाग अपने रिकॉर्ड में कार्ड धारक का केवल उपनाम ही रखता है, इसलिए यह डेटा खाता संख्या के भीतर भी मौजूद होता है। आरक्षण को लेकर पटना हाई कोर्ट के निर्देश के बाद बीजेपी पर बरसे तेजस्वी यादव। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा भाजपा पर आरक्षण में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए कहा गया कि महागठबंधन की बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% कर दिया, तो वरिष्ठ बीजेपी नेता के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया कि 75% आरक्षण के विरुद्ध कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। 3 दिन बाद ही बीजेपी के इशारों पर पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई। बीजेपी के इशारों पर जाति आधारित सर्वे रुकवाने के लिए अनेक
बार हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस किए गए। केंद्र सरकार ने हमारी सरकार के जातिगत सर्वे के विरोध में सॉलिसिटर जनरल तक को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया। नगर निकायों में पिछड़ों अति पिछड़ों को आरक्षण व प्रतिनिधित्व देने के विरोध में भी बीजेपी के सारों पर अनेक बार केस दर्ज किए गए, लेकिन अंत में हमेशा न्याय और सत्य की जीत हुई। उन्होंने कहा कि पूरा बिहार एक समस्त वंचित उपेक्षित गरीब व अत्यंत पिछड़ा वर्ग जानता है कि बीजेपी गरीब दलित और पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी पार्टी है। शराबबंदी खत्म करने को लेकर मांझी के दिए बयान पर सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया। बिहार में लागू हुए शराबबंदी पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं। इसी कड़ी में अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का हिस्सा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा शराबबंदी को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो शराबबंदी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लेकर हम लोग बैठक करेंगे और गुजरात मॉडल पर भी चर्चा करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो पूरी तरह से शराबबंदी को खत्म करवा दिया जाएगा। बिहार के जिलों में शराब की बिक्री को लेकर जितने लोग बंद हैं उनमें 80% लोग सिर्फ दलित हैं और दलितों का शोषण किया जा रहा। नीतीश कुमार सिर्फ दलित प्रेमी बात करते हैं पर हमेशा दलितों को अपमानित करने का काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर जीतन राम मांझी के द्वारा दिए गए इस बयान को खारिज करते हुए बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया कि बीजेपी पूरी तरह शराबबंदी के पक्ष में है। अगर उनकी सरकार आई तो बिहार में शराबबंदी लागू रहेगी। प्रशांत किशोर ने अपनी पदयात्रा का बताया उद्देश्य। बीते दिन शनिवार को राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपने जन स्वराज यात्रा के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य का मकसद ऐसे सारे लोगों को एकजुट करना है जो नया दल बनाना चाहते हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने यह भी दावा किया है कि एक सर्वे के अनुसार बिहार के 50-55% लोग ऐसे हैं जो नया राजनीतिक विकल्प चाहते हैं। इन लोगों को ये नहीं पता कि वो दल कौन होना चाहिए, लेकिन इन लोगों को ये पता है कि वर्तमान के दल से बिहार में कोई सुधार नहीं आएगा। हमारा मानना है कि अगले 6 महीने में करीब 1 करोड़ लोगों को संस्थापक सदस्य के रूप में जोड़ा जाएगा, क्योंकि अभी तक मेरे अनुमान के अनुसार हर प्रखंड से करीब 2-2,500 लोग संस्थापक सदस्य से जुड़ रहे हैं। माले ने के पाठक के खिलाफ खोला मोर्चा। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा इन दिनों राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए लगातार फरमान जारी किए जा रहे हैं, जिससे कई शिक्षक और शिक्षक संगठन परेशान हैं और उन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में अब माले विधायक और शिक्षक संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष संदीप सौरभ के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के पाठक पर जमकर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थिति में ही लोगों को संगठित होने से रोका जाता है, ऐसे में वह शिक्षा व्यवस्था से जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी विषम परिस्थिति आ गई है कि शिक्षकों के मौलिक अधिकार को छीन लिया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज के प्रबुद्ध लोग होते हैं और समाज के निर्माण में शिक्षकों की मुख्य भूमिका लोकतंत्र में अति आवश्यक है। वहीं शिक्षक बहाली के प्रथम चरण में लगभग 20,000 सीट जिस पर 1 से अधिक रिजल्ट आए हैं उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। उन्होंने बिहार से मांग की है कि ऐसे अधिकारी को तुरंत विभाग से हटाया जाए। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला। आज यानी कि 3 दिसंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का आखिरी और 5वां मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाने वाला है। बता दें कि इस 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत के द्वारा 3 मैच जीतकर इस सीरीज को अपने नाम कर लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम के द्वारा 8 इंटरनेशनल मैचों की मेजबानी की गई है। यहां का फ्लैट विकेट बल्लेबाजों के मुफीद रहा है, यहां छोटी बाउंड्री है। हालांकि हाल में जो मैच यहां खेले गए हैं उनमें हाई और लो स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिले हैं। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के दौरान टीमें आसानी से 300 पर पहुंची। यहां चेस करने वाली टीम के 5 में जीत मिली है, जबकि पहले बैटिंग करने वाली टीम 2 मैचों में विजयी रही है। यहां औसत स्कोर 139 का रहा है। बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आज 31वें T20 में आमने सामने होगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। बाजीराव द्वितीय को 1796 में मराठा साम्राज्य का पेशवा बनाया गया। अंग्रेजों ने 1824 में मद्रास और मुंबई से कुमुक मंगा कर फिर कित्तूर का किला घेर लिया। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध शुरू होने के बाद देश में आपातकाल लागू हुआ। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 1984 में जहरीली गैस लीक होने से कम 3,000 लोग मारे गए और कई हजार व्यक्ति शारीरिक विकृति के शिकार हो गए। मुंबई में हुई 23 नवंबर की आतंकवादी घटना के बाद 2008 में आज के दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलास राव देशमुख ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस का जन्म 1882 में हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र
राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 में हुआ। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस का जन्म 1889 में हुआ। हिंदी के यशस्वी कथाकार और निबंध लेखक यशपाल का जन्म 1903 में हुआ। हिंदी साहित्य के अध्ययनशील एवं माननशील रचनाकार शिव नारायण श्रीवास्तव का जन्म 1913 में हुआ। भारतीय भाषाविद विनोद बिहारी वर्मा का जन्म 1937 में हुआ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय रहे जनकवि रमाशंकर यादव विद्रोही का जन्म 1957 में हुआ। टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला मिताली राज का जन्म 1982 में हुआ। परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक लांस नायक अल्बर्ट एक्का का निधन 1971 में हुआ। भारत के ख्याति प्राप्त हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का निधन 1979 में हुआ। फिल्म अभिनेता और निर्माता देव आनंद का निधन 2011 में हुआ। आज के दिन को विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। वायरल में आज हम बात करेंगे विनाशकारी भूकंप के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे विनाशकारी भूकंप के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि भारत में विनाशकारी भूकंप आया, 35,000 लोग प्रभावित हुए। पीआईबी ने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा पूर्णतः फर्जी है, देश में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 28 नवंबर, ऑप्शन बी 29 नवंबर, ऑप्शन सी 1 दिसंबर, ऑप्शन डी 2 दिसंबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 29 नवंबर। अगला सवाल, हाल ही में कौन अगले वर्ष सैन्य साहित्य महोत्सव की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अमृतसर। अगला सवाल, हाल ही में ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AMA बैंक का अनावरण किया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पटना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उड़ीसा। अगला सवाल, बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की है? ऑप्शन ए मुर्शीद कुली खान, ऑप्शन बी अली वर्दी खान, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला, ऑप्शन डी मीर कासिम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मीर कासिम। अगला सवाल, 1748 में अली वर्दी खान ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था? ऑप्शन ए अफगानों को, ऑप्शन बी मराठों को, ऑप्शन सी अंग्रेजों को, ऑप्शन डी फ्रांसीसियों को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अफगानों को। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे सवालों का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विवेक मिश्रा, सुदुल्ला पलवी, नोनो गोलू कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, सीमा कुमारी, चंद्रदीप, गोनर शर्मा, अनवर करीम खान, राजीव कुमार, उमेश ऋषिदेव, राजकिशोर महतो, अतीक खान, रूपेश यादव, संजय यादव, मोहम्मद असलम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार पिछले प्रदर्शन को देखते हुए आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले T20 सीरीज के 5वें मैच में किस टीम का पलड़ा भारी है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखना चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखना तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।